नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीयों के विषय में, मतलब कि हमारे भारत के किन किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इसको हम देखेंगे। इससे पहले मैंने 2018 में जिन जिन लोगों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ उनके विषय में मैंने वीडियो बनाया था, वो वाला वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, जिससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। और ये जो टॉपिक है, मतलब कि हमारे भारत में किन किन लोगों को कब नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, ये भी जो है कभी कभार पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे भारत से किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये जो नोबेल पुरस्कार है ये क्या होता है। तो देखिए, ये जो नोबेल पुरस्कार है स्वीडन देश की ओर से दिया जाता है, कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, साहित्य, भौतिकी, चिकित्सा, शांति, अर्थशास्त्र और रसायन, ये 6 क्षेत्र हैं। प्रारंभ में तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, आगे चल करके फिर अर्थशास्त्र को जोड़ा गया, मतलब कि शुरू में जो है साहित्य, भौतिकी, चिकित्सा, रसायन, शांति, इन 5 क्षेत्रों में ही पुरस्कार दिए जाते थे, लेकिन आगे चल करके अर्थशास्त्र को भी इसमें जोड़ा गया, मतलब कि इन क्षेत्रों में जो भी व्यक्ति उत्कृष्ट कार्य करता है उनको पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। थोड़ा सा मैं इसका इतिहास बता देता हूं। तो देखिए, स्वीडन जो कि एक यूरोपीय देश है, वहां पर एक वैज्ञानिक रहा करते थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल, जो ये नोबेल शब्द है ना, उन्हीं के नाम से लिया गया है, अल्फ्रेड नोबेल, जो कि एक वैज्ञानिक थे और जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट आप लोग जानते होंगे, विस्फोटक होता है डायनामाइट, तो डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। तो उन्होंने जो है अपने जीवन काल में और भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, तो उन अच्छे कामों के चलते उनको जो है काफी प्रसिद्धि मिली, उन्होंने काफी धन दौलत भी कमाया। तो जब वो बूढ़े हो गए तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि मेरे पास जो भी संपत्ति है उसको जो है एक ट्रस्ट बना दिया जाए, और आगे आने वाले समय में जो भी लोग, जो भी वैज्ञानिक हो, कोई डॉक्टर हो, कोई दूसरे क्षेत्र में भी कोई अच्छा काम करता है तो उनको पुरस्कृत किया जाए, ताकि आगे जो है लोग अच्छा काम करने के लिए प्रेरित हो सके। तो जब अल्फ्रेड नोबेल साहब की मृत्यु हो जाती है तो उनके पास जो भी संपत्ति होती है उसका एक जो है ट्रस्ट बना दिया जाता है, और उसके बाद 1901 से जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाना शुरू किया जाता है। तो याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार किनके नाम से दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि जो मैंने बताया कि जो नोबेल पुरस्कार है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, पहला साहित्य, दूसरा भौतिक, तीसरा चिकित्सा, चौथा शांति, पांचवा रसायन, छठवां अर्थशास्त्र। ये जो है ना आपको 6 क्षेत्रों के नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा भी पूछता है कि किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनमें से शांति का नोबेल पुरस्कार जो है नॉर्वे में दिया जाता है, नॉर्वे जो है स्वीडन का एक पड़ोसी देश है, तो जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे देश में दिया जाता है, और बाकी के 5 पुरस्कार वो स्वीडन देश में दिया जाता है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारे भारत में किन किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए, मैंने यहां पर जिस प्रकार से लिखा है बिल्कुल आपको ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि इसको जो है जोड़ी मिलाओ के रूप में भी दे देता है, या फिर बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जैसे कि सीजीपीएससी ने जो है इससे सी वेंकटरमन, इनके विषय में एक बार पूछा था कि सबसे पहली बार भारत में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको जो है हर प्रकार से तैयार रहना होगा। तो हमारे भारत में अभी तक कुल 9 लोगों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, तो 9 लोग हैं तो आराम से आप लोगों को ये चीज याद हो जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहला नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो कि एक साहित्यकार थे, बांग्ला साहित्यकार थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया, मतलब कि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था उस टाइम पर रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, इनकी जो है एक रचना थी गीतांजलि, याद रखेंगे गीतांजलि, जो कि एक कविता संग्रह थी, बांग्ला में इन्होंने पहले निकाली, उसके बाद फिर ये दूसरे भाषाओं में प्रकाशित हुई, हिंदी, अंग्रेजी, दुनिया भर के भाषाओं में प्रकाशित हुई और काफी ख्याति प्राप्त किया इस रचना ने। आप लोग भी जो है इसको पढ़िएगा खोज करके गीतांजलि को, तो काफी अच्छी कविताएं उन्होंने यहाँ लिखी है। तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर
पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद अगला नाम याद रखेंगे, सी वेंकट रमण। सी वेंकट रमण इनको 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भौतिकी के क्षेत्र में मतलब कि हर साल जो है ये 6 क्षेत्रों में अलग अलग व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जाता है, तो भौतिकी के क्षेत्र का 1930 का नोबेल पुरस्कार किनको मिला? सी वेंकट रमण को। ये दो नाम आपको जो है विशेष याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर और सी वेंकट रमण। ये दोनों व्यक्ति जो है इनको स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले मतलब कि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो उस समय इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो कि बहुत बड़ी बात है। दुनिया भर के जो भी उस समय वैज्ञानिक थे, जो भी साहित्यकार थे, उन सबको पीछे छोड़ते हुए इनको जो है दुनिया भर ये जो है नोबेल पुरस्कार दुनिया का मतलब कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, तो ये जो है बहुत बड़ी बात होती है। तो दो नाम आप याद रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर, सी वेंकट रमण, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था उस समय इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके बाद तीसरा नाम हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना इनको जो है 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, हरगोविंद खुराना। उसके बाद चौथा नाम है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा इनको जो है 1979 को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, 1979 को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जो कि एक समाज सेविका थी, ये जो है दूसरे विदेश की थी, मतलब यूरोपीय देश की थी मदर टेरेसा, लेकिन ये जो है भारत में आ गई थी और इन्होंने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली थी और अपने पूरे जीवन भर उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है भारत के लोगों की सेवा में बिता दिया था। तो मदर टेरेसा हमारे भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है, तो ये भी चीज आप लोगों को याद रखिएगा कि सबसे पहली महिला किस कौन है, और ये एकमात्र महिला है, भारतीय महिला जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। उसके बाद अगला नाम है एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर इनको 1983 में भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया, एस चंद्रशेखर। उसके बाद अगला नाम है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन इनको 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्थशास्त्र याद रखना है, ये जो है शुरुआत में अर्थशास्त्र शामिल नहीं था, मतलब कि जब नोबेल पुरस्कार देना शुरू किया गया उस समय जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था, आगे चल करके इसको नोबेल पुरस्कारों में शामिल किया गया। तो अमर्त्य सेन 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। उसके बाद अगला नाम है वी एस नायपॉल। वी एस नायपॉल इनको जो है 2001 में साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वी एस नायपॉल जो कि एक साहित्यकार है, इनको जो है 2001 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद अगला नाम है वी रामकृष्णन। वी रामकृष्णन इनको 2009 में रसायन के क्षेत्र, रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब? 2009 में वी रामकृष्णन। उसके बाद आखिरी नाम याद रखिएगा, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी इनको जो है शांति के क्षेत्र का 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये जो है एक समाज सेवी है कैलाश सत्यार्थी। ये जो बाल श्रमिक, जो छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है, उसको रोकने के लिए इन्होंने काम किया था, तो उसके लिए जो है 2014 का शांति पुरस्कार इनको दिया गया था। एक चीज याद रखेंगे कैलाश सत्यार्थी जी के विषय में, जो 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार था वो जो है दो लोगों को मिला था, एक तो कैलाश सत्यार्थी जी को और इनके साथ दूसरा व्यक्ति था पाकिस्तान की मलाला यूसुफ जई। मलाला यूसुफ जई जो कि एक उस समय जो है छोटी बच्ची थी, अभी तो खैर बड़ी हो गई हैं, तो मलाला यूसुफ जई और कैलाश सत्यार्थी इन दोनों को जो है संयुक्त रूप से 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो कैलाश सत्यार्थी 2014 और मलाला यूसुफ जई जो है सबसे छोटी, सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता है मलाला यूसुफ जई। तो ये सब याद रखिएगा, ये जितने नाम मैंने बताए ऐसे ही आप लोगों को याद रखना है, बिल्कुल इतना ही है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, तो एक बार में आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। तो आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।